नगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खुशामदीद। खैर मकदम है, इस्तकबाल है और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? सब खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला। प्यारे बच्चों, वेलकम टू मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। हम आज शुरू करते हैं आज का नया सेशन। जमात अव्वल, मजमून रियाजी। क्लास वन, सब्जेक्ट मैथ्स, और मैं हूं आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। आज हम सीखेंगे, आओ तफरीक सीखें। लेट अस लर्न सब्ट्रैक्शन, आओ तफरीक सीखें। सलमा के पास तीन जामुन थे, सलमा के पास तीन जामुन थे, दो जामुन उसने रजिया को दिए। सलमा के पास कितने जामुन थे? तीन। उसने रजिया को तीन जामुन दिए। अब सलमा के पास कितने जामुन बाकी रहे? जामुन बाकी रहे एक। तीन तफरीक दो बराबर एक। सलमा के पास कितने थे? तीन जामुन थे, दो से रजिया को दे दी, उसके पास एक बचे। रानी है थ्री जामुन, रानी है थ्री जामुन, टू जामुन्स टू रमा। हाउ मेनी जामुन्स डज ही हैव नाउ? रानी है थ्री जामुन्स, ही गेव टू जामुन्स टू रमा। हाउ मेनी जामुन्स डज ही हैव? आंसर इज वन जामुन। 3 minus 2 equal to 3 minus 2 equal is 1. अब ये तस्वीर देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक नदी है, नदी के किनारे कितने मेंढक है आपको दिखा रहे? पांच। नदी के किनारे पांच मेंढक बैठे थे। एक मेंढक ने पानी में छलांग लगा दी। नदी के किनारे कितने मेंढक बैठे थे? पांच। एक मेंढक ने छलांग लगा दी। अब नदी में कितने मेंढक बाकी बचे? तीनों
एक दो तीन चार। जवाब क्या है? चार। Did you observe this picture? Five frogs were on a river. Now, river bank. One frog jumped into water. Count how many frogs are on the river bank now. There are five frogs. If one jump in the pond, in the river, we have four frogs left. मीना के पास कितने फूल थे? पांच। Observe the pictures and fill in the boxes. One flower, two flowers, three flowers, four flowers, five flowers. मीना has five flowers. If she gives away two flowers. अगर मीना के पास पांच फ्लावर्स थे, उसमें से दो फूल उसमें से अगर दो फूल उसे दे दिए तो उसके पास कितने फ्लावर्स बचे? तीन। कितने फूल बचे? अगर उसने दो फूल अमन को दे दिए तो उसके पास कितने फूल बचेंगे? मीना has five flowers. If she gives away two flowers, how many flowers will be left? Answer is three flowers. तब जवाब आएगा बच्चों, जवाब आया, बताओ कितने फूल उसके पास बचे? दो। दो फूल बचे। How many flowers will be left? Two flowers. चार पत्तियां हैं। कितनी पत्तियां हैं हमारे पास? चार। देख रहे हो, चार पत्तियां हैं। अगर उसमें से चार पत्ते हैं ना हमारे पास, आउट ऑफ फोर लीव्स, आउट ऑफ फोर लीव्स अगर दो पत्ते हमने दे दिए तो कितने बचे हमारे पास? कितने पत्ते बचे? दो पत्ते। अगर हमने चार में से दो पत्ते दे दिए तो हमारे पास कितने बचे? दो पत्ते।
आउट ऑफ फोर लीव्स इफ वी टेक अवे टू लीव्स देन टू लीव्स आर लेफ्ट. कितने बाकी बचे बच्चों पत्ते? चार में से दो गए तो दो पत्ते बाकी बचे. Then two leaves are left. तीन तितलियां फूल पर बैठी हुई थी. तितलियां फूल पर बैठी हुई थी. There are three butterflies sitting on a flowers. There are three butterflies sitting on a flower. अगर सभी तितलियां उड़ गई तो बाकी क्या बचा? बाकी फूल बचे बस. या नहीं बाकी है. तितलियां थी फूल पर और तीनों उड़ गई. अब क्या बचे? सिर्फ फूल. तितलियां नहीं है. तितलियां नहीं बची. ऑल द थ्री बटरफ्लाईज flew away. Then we have only the flowers left and no butterfly. अमन के पास तीन कलम है. अमन के पास कितने कलम है? तीन. अमन हैज थ्री पेन्स. अमन हैज थ्री पेन्स. अगर अमन ने तीन कलम में से एक कलम राशिद को दे दिए, अगर अमन ने तीन कलम में से एक कलम राशिद को दे दिए अमन has three pens. If he gives away one pen to Ashit, now he has two pen with him. उसके पास कितने पेन बचे बच्चों? कितने पेन्स लेफ्ट थे? टू. उसके पास कितने कलम बचे? दो कलम. हमारे पास छह कप है. हमारे पास कितने कप है? छह. उसमें से चार कप टूट गए. हमारे पास कितने कप है? छह कप है. कप रहते हैं ना घर में, चाय पीते हो और वो चीनी मिट्टी से बने होते हैं. अगर वो गिर जाए तो टूट.
जुड़ जाते हैं। तो हमारे पास कितने कप है? 6। और उसमें से गिरकर कितने टूट गए? 4 कप टूट गए। There are 6 cups. There are 6 cups. If 4 cups break, there are 6 cups. If 4 cups break, अगर हमारे पास 6 कप हैं और इसमें से 4 कप्स जो है वो टूट गए हैं, कितने बाकी बचेंगे? How many cups will be left? अगर हमारे पास 6 कप थे, हमारे पास कितने कप थे? 6। अगर उसमें से 4 कप टूट गए तो हमारे पास कितने कप बचेंगे? 2। कितने कप बचेंगे? 2 कप बचेंगे। 6 में से 2, 4 कप जो है वो टूट चुके हैं, तो हमारे पास 2 कप्स बचे। We have 2 cups left. There are 6 cups. If 4 cups break, we have 2 cups left. चलिए अब हम तफरीक करना सीखेंगे और जोड़ियां भी लगाएंगे। इसकी जोड़ियां लगाएंगे। हमारे पास ये पूरा टेबल दिया गया है और हम क्या करेंगे, बीच में जो है वो जवाब दिए गए हैं और साइड में जो है वो सवाल आते हैं, तो हम जो है सही जोड़ी लगाएंगे। जोड़ियां लगाना है, तफरीक भी करना है और जोड़ियां भी लगाना है। चलिए पहले क्या दिया है, 4 तफरीक 2। 4 तफरीक 2, 4 में से हमको 2 कम करना है। 4 में से 2 हमको कम करना है। अब आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? उंगलियों का इस्तेमाल। निकालिए अपनी 5 उंगलियां, उसमें से 4 उंगलियां आप लीजिए, सामने ले लिए, उसमें से आप 2 उंगलियां कम कर दीजिए। क्या जवाब आया? बिल्कुल सही, 2 जवाब। 4 में से 2 उंगली अगर हम कम कर देंगे तो 2 जवाब आएगा, 2 उंगलियां बाकी रहेंगी। यहां देखिए 7 उंगलियां, अब आप निकालिए 7 उंगलियां, निकालिए उसमें से 2 कम कर दीजिए। अगर आप 2 कम कर देंगे तो आपके पास कितनी उंगलियां बचेंगी? 5। सही जवाब 5 है। अब आप निकालिए 9 उंगलियां। कितनी उंगलियां निकालेंगे आप? 9 निकालिए, गिनिए उसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसमें से आपको कितने कम करना है? 1 उंगली कम करना है। क्या जवाब आ गया बताओ? बिल्कुल सही, 8 उंगलियां बची। 9 में से अगर आपने 1 उंगली कम कर दी तो आपके पास कितनी बची? 8। वेरी गुड। 5 उंगलियां निकालिए, 5 उसमें से आपको कम करना है 1। कितनी उंगलियां बची आपके पास? 4। वेरी गुड, एकदम सही जवाब। आप यहाँ देखिए सामने की लाइन, आपके पास 9 उंगलियां है। चलिए 9 उंगलियां निकालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसमें से आप कितनी उंगलियां कम करेंगे? 5। 5 उंगलियां गिनकर 5 उंगलियां कम कीजिए, 1 2 3 4 5। कितनी उंगलियां बची बच्चों आपके पास? देखिए आपका जवाब सही है 4। वेरी गुड, शाबाश, आपने सही जवाब दिए। अब है 5। अब आप 5 उंगलियां निकालिए, 5 उंगलियां निकालने के बाद उसमें से 3 उंगली आप कम कर दीजिए, मोड़ लीजिए, ठीक है? हाँ, तो अभी आपके पास कितनी उंगलियां बची? चेक करो आपका जवाब, 2। वेरी गुड, शाबाश। अब आप निकालिए 8 उंगलियां। कितनी उंगलियां निकालेंगे आप? 8।
से आप 3 उंगलियां कम कर दीजिए। 3 उंगलियां कम कर दीजिए। कितनी उंगलियां आपके पास बची हैं? 5। सही जवाब, एकदम सही जवाब। अब आप 8 उंगलियां निकालिए। कितनी उंगलियां निकालेंगे? 8 निकाल लिया आपने, और उसमें से 0 उंगली कम कर दीजिए, 0 उंगली मोड़ दीजिए। 0 मतलब क्या होता है बच्चों? 0 मतलब कुछ नहीं, ये आपको कम ही नहीं करना है। 0 कम करना है मतलब आपको कम करना ही नहीं है। तो आपके पास कितनी उंगलियां बची? 8। वेरी गुड, शाबाश। समझ में आया बच्चों किस तरह से कम करना है? हाँ, वेरी गुड। सबट्रैक्ट एंड मैच, भी करना है और मैच भी करना है। 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 4 में से हम 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो आप क्या करो, अपनी फिंगर्स पे काउंट करो, 4 फिंगर्स, टेक 4 फिंगर्स एंड माइनस 2 फिंगर्स, द आंसर इज, टेल मी, लेफ्ट, करेक्ट आंसर। 7 फिंगर्स, टेक 7 फिंगर्स एंड माइनस 2 फिंगर्स, हाउ मेनी फिंगर्स लेफ्ट? 2 फिंगर्स, फोल्ड 2 फिंगर्स, हाउ मेनी लेफ्ट? Yes, 5 fingers left. Answer is 5 fingers. Very good. Correct answer. Then you take 9 fingers. 9 fingers. And minus 1 finger. Minus 1 fingers. How many fingers left? How many fingers will be left? Answer is 8 fingers. Answer is 8 fingers. Correct. 5 minus 1. 5 fingers. Take 5 fingers and minus 1 finger. How many fingers you have? आप यहां देखिए इस साइड, 9 minus 5, 9 फिंगर्स, 9 फिंगर्स एंड माइनस 5 फिंगर्स, माइनस 5 फिंगर्स। हाउ मेनी फिंगर्स left? Yes, correct answer. 4 fingers. 4 fingers. Very good. 5 minus 3. 5 fingers. Take 5 fingers and minus, subtract 3 fingers. The answer is 2 fingers. Very good. Correct answer. Take 8 fingers. Take 8 fingers and minus 3 fingers. Minus 3 fingers. Fold it. And answer is 5 fingers. Correct. Check your answer. 8 minus 0. Take 8 fingers. Minus 0 fingers. फिंगर्स मीन्स हमको उसमें से 8 में से कुछ भी नहीं निकालना है, कुछ भी कम नहीं करना है। तो कितने बाकी रहेंगे? हाउ मेनी फिंगर्स विल बी लेफ्ट? द आंसर इज 8 फिंगर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सबने
बहुत ही अच्छी तरह से जवाब दिए। सभी आंसर करेक्ट थे। और इसी तरह आप और भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, तो आप उसको सॉल्व कीजिए। पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसको हल करेंगे, उसको जवाब लिखेंगे और अपने क्लास टीचर को भेजेंगे चेक करने के लिए। और फिर आपको चेक करके जब मिलेगा तो आप देखेंगे आपके आंसर कितने सही है और कितने गलत है। और अगर गलत है, नहीं समझ में आया, तो आप उसको और प्रैक्टिस कीजिए, फिर से उसको हल कीजिए। तो इस तरह से आपको सब्ट्रैक्ट करना, तफरीक करना आ जाएगा। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि आपको जब भी ये वीडियो देखना हो YouTube पर, तो ये लिंक रहेगी, आप कभी भी इसको देख सकते हो। अगर समझ में नहीं आया, आप फिर से एक बार, दो बार, कितनी बार भी देख सकते हो। और जब भी मेरा कोई नया वीडियो आता है, एजुकेशनल वीडियो आता है नया, तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंचेगा। इसलिए नीचे आपको इस तरह से बेल आइकन है, उसको आप उसको क्या करना है, प्रेस करना है, और बाजू में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको भी आप प्रेस कीजिए। इस तरह से जो है आपको हमेशा नई वीडियोस की लिंक आपको फौरन आ जाएगी। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, ये आपके लिए है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने मालूमात हासिल की है। आपने जो भी समझा है और आपको जो भी काम दिया गया है, आप उसको पूरा कीजिए और अपने क्लास टीचर से चेक करवाइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।